एमसी केजरीवाल विद्यापीठ में करियर फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें 5 विशेष पैनलिस्ट ने भाग लिया। श्री अमिताभ मोहन ने मॉडरेटर की जिम्मेवारी संभाली और एक्सपर्ट्स पैनलिस्ट के रूप में डॉक्टर साहिबाल चट्टोपाध्याय, डॉक्टर सबीना एन उमर, कैप्टन अमित सान्याल, मिसेस चंद्रिया घोष उपस्थित थी। इस अवसर पर एमसीकेवी विद्यापीठ के छात्र और उनके अभिभावक भी उपस्थित थे। पैनलिस्ट ने उन्हें बताया कि करियर के संबंध में छात्रों को क्या करना चाहिए। पहले वो ये तय करें कि उन्हें किस फील्ड में आगे जाना है और 3 प्लान तैयार रखें। यदि प्लान ए फेल होता है तो बी देखें और बी फेल होता है तो सी। इस अवसर पर स्कूल प्रांगण में ही करियर फेयर का के स्टॉल्स लगाए गए थे। कई कंपनी के लोग भी इस स्टॉल पे उपस्थित थे और इस करियर फेयर में भाग लिया और छात्र भी लोगों को गाइड किया। आइए सुनते इस अवसर पर पैनलिस्ट और स्कूल के श्री केजरीवाल जी ने क्या कहा। आज एमसी केजरीवाल विद्यापीठ स्कूल के प्रांगण में एक पूरा करियर फेयर का आयोजन हुआ है और उसी के पार्ट में एक पैनल डिस्कशन है और पैनल डिस्कशन में हम लोग आईएम के डायरेक्टर और बाकी और लोगों को, एक्सपर्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया ताकि हम बच्चों को, पेरेंट्स को अवेयर कर सकें। ये जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, अब एनी पी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ रहे हैं, एलिजिबिलिटी बदल रही है, जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ बदल रहे हैं, तो बच्चों को, अभिभावकों को उसके बारे में अवेयर कराने के उद्देश्य से पूरा कार्यक्रम किया गया है। तो ये पैनल डिस्कशन के बाद ऊपर भी जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स लगे हैं, करीब 22-25 करियर्स के स्टॉल हैं जहाँ पे स्कूल के टीचर्स, बच्चे और प्रोफेशनल्स मिल करके उन स्टॉल्स को लगा रहे हैं ताकि इन्फॉर्म करें। इसी में एक करियर भी स्कूल के टीचर्स ने और स्टाफ ने मिल करके एक पूरा करियर ब्रीफ बनाया है जिसमें बच्चों को विभिन्न करियर्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है जो कि डिजिटल माध्यम से सारे बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो यही मेन उद्देश्य रहा है इसका। नहीं जी, इसमें हम लोगों ने आसपास के इस लिलुआ क्षेत्र से जो आसपास के स्कूल हैं उनको भी हमने न्योता दिया है, तो बहुत सारे स्कूलों ने यहाँ पर शिरकत करी है, बच्चे और उनके टीचर्स के साथ में आए हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, पैनल डिस्कशन भी अटेंड किया, अभी वो लोग स्टॉल्स में भी जाएंगे। वो लोग ये करीब हमारा 3 बजे तक पूरा कार्यक्रम चलेगा जी। आज एक दिवसीय कार्यक्रम है ये। जी जी बिल्कुल, ये हम लोग पिछले कुछ गत वर्षों से करियर फेयर, करियर कॉन्क्लेव और मेंटल हेल्थ फेयर, वेलनेस फेयर, ये कार्यक्रम हमारे चेयरमैन एमसी केजरीवाल के, किशन केजरीवाल जी का विजन रहा है, उसके तहत हम लोग इस तरीके के कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे बच्चों की अवेयरनेस बढ़ा सकें, उनके अंदर हम एक जोश डाल सकें, करियर के लिए सोच बना सकें, समाज के लिए उनको पूरी तरह से तैयार कर सकें। क्योंकि स्कूल का एक विजन है, जब हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं तो हमारे चेयरमैन का कहना है कि हम सिर्फ होलिस्टिक डेवलपमेंट लिखने के लिए नहीं करेंगे, जो कुछ भी अनुभव और एक्सपोजर हम बच्चों को दे सकते हैं उसको देने का पूरा प्रयास रहता है। मेरा नाम अमिताभ मोहन है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं HLS इंडिया ह्यूमन लर्निंग सिस्टम्स का डायरेक्टर और यहाँ पे मेंटर एडवाइज़र हूँ विद द स्कूल। देखिए, कैरियर फेयर करने का उद्देश्य यही है कि हम अपने बच्चों को, पेरेंट्स को अगवा करें, अवेयर करें कि फ्यूचर के अंदर में कैरियर के हिसाब से काफ़ी कुछ है, सिर्फ साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी नहीं है। ह्यूमैनिटी के अंदर भी काफ़ी स्ट्रीम खुले हैं, साइंस में भी काफ़ी खुले हैं, कॉमर्स में भी काफ़ी कुछ खुले हैं। तो उस तरीके से अपनी मन पसंदी, अपने मन का सोच कर, दिमाग लगा कर उस तरीके से उसको आगे बढ़ें, तो हमारे हिसाब से उसी को माइंड में रखते हुए ये कैरियर फेयर किए हैं। नहीं, इनको इस स्टॉल से उनका फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आज उनको फैशन टेक्नोलॉजी में जाना है तो फैशन टेक्नोलॉजी में क्या आना है, उसका क्या पास मार्क है, उसमें इसलिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो उनको आइडिया मिल रही है। अब होटल मैनेजमेंट में जाना तो IHMK मैंने स्टॉल है वहाँ पर जाएगा, उनको वहाँ पर जाना होगा, ये करना होगा, उसके बदले यहीं पर मिल गया अंडर वन रूफ। तो इस तरह के अपने 15-20 तो यहाँ पर करके रखें तो उनको पूरी आइडिया मिल जा रही है। बच्चों के संग में है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म है, वो उसको स्टडी किए हैं, उसी के हिसाब से वो उसको मैंने दूसरे पेरेंट्स लोग बता रहे हैं कि हाँ ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी स्कोप है आगे बढ़ने के लिए। बच्चे बता रहे हैं? हाँ, बच्चे बता रहे हैं। लेकिन कंपनी वालों का नहीं, कंपनी वालों का नहीं, अपने बच्चे रिसर्च कर किए और रिसर्च करके ये अपना मैंने वो बता रहे हैं दूसरे बच्चों को। अपने यहाँ पर कम से कम 15-20 है। अभी बाहर की कंपनी है
नहीं, बाहर से कोई ऐसे कोई कंपनियां नहीं आई है। कंपनी में बोलना पड़ेगा, नेवी से मैंने डिपार्टमेंट से आ गए, आईएचएम वाले डिपार्टमेंट से आ गए, इंजीनियरिंग कॉलेज के डिपार्टमेंट से आ गए, मेरे यहाँ पर कंसल्टेंट या कोई वो ऐसे नहीं है। कोई हकीकत वाले जो करते हैं वो लोग ही हैं अपने आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ, कोई आना है माने आपको है ये है ऐसे करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरीके से। सर ये तो कंटिन्यू चल रहा है, मतलब हर वर्ष करते हैं? नहीं, हाँ हम इसको ऑल्टरनेट ईयर करते हैं, माने इतने बड़े पैमाने में माने एवरी ऑल्टरनेट ईयर करते हैं। और क्या क्या कुछ और भी कुछ प्रोग्राम ना इसमें और कोई माने जो नीचे पैनल डिस्कशन किए थे पहले और अभी ये पूरा अफेयर है, इसमें जो भी पेरेंट्स सब पेरेंट्स लोग को बोला गया स्टूडेंट के संग में आकर, जो अपने अपने आइडिया के हिसाब से अपना माइंड सेट के हिसाब से जिसको देखना है समझना है तो उस हिसाब से वो लोग अपना डिसीजन ले लेंगे। नहीं, मैसेज तो यही है कि कैरियर एवेन्यू दुनिया में काफ़ी खुल रही है, बच्चों अपने आप को सोचो समझो, अपनी स्ट्रेंथ के बदौलत अपना कैरियर चूज करो, और कैरियर चूज करने के लिए प्लान होना चाहिए ए बी सी, ए फेलियर हुआ तो बी में जाना चाहिए, बी फेलियर हुआ तो सी में जाना चाहिए, अटास नहीं होना चाहिए, फेलियर ही का है परंतु अपन को प्लान रखना चाहिए। एक तो इन्होंने जो पैनलिस्ट सिलेक्ट किए हैं वो विभिन्न विभिन्न विभाग के थे और उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। आजकल के ज़माने में चैलेंजेस जो हैं बहुत अलग हैं, मतलब हमारे ज़माने में या मैं कहता हूँ 5 या 10 साल पहले, इवन कोविड से पहले जो चैलेंजेस थी वो अलग थी, अभी चैलेंजेस अलग हैं। मैं इस फील्ड में हूँ इसलिए मैं वाकिफ़ हूँ। इससे कम से कम इन्होंने क्या है कि खिड़कियाँ खोल दी है और काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने अच्छी तरह से कवर किया है, और मेरा मानना है कि पेरेंट्स जो हैं इन सब विषय जो सवाल जवाब किए थे जो इन्होंने अपने पैनल डिस्कशन के दौरान कवर नहीं किए, जो सवाल जवाब पूछे गए थे उसे बाकी का एरिया इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो मेरा मानना है कि इससे पेरेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, एटलीस्ट मतलब जो है इंटरेस्ट पैदा होगा कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बच्चों का फ्यूचर के प्रति कितना ज़रूरी है और उन्हें क्या क्या करना चाहिए। शुक्रिया। Captain Amit Sanyal, Indian Navy retired. I'm very grateful to the headmaster of MC Kejriwal Vidyapeeth for inviting me to this event, which is extremely important in today's world. It is a career fair and it talks about the changing career trends in the 21st century. I was part of the panel discussion. I was also one of the inaugurators of the career fair, and I find this to be a very useful industry academia connect that upholds the principles of the new education policy 2020, and it enables students to find a platform in the school itself to explore different career options, different higher education options, so that they can understand in which directions they should proceed once they have cleared the school. The other panelists were also very erudite and eminent from the fields of journalism, from the fields of the armed forces, and of course the director of IIM Joka. So we had experts on management institutions and other areas of work. We had former students come up and talk about their experiences as professionals now. So we all harped on the importance of technology and how students must be very focused and how this is the information age and therefore students must explore and navigate through information to understand what is important and what is valuable for them. I have specifically asked them to set SMART goals and also to keep in touch with their parents about guidance and mentoring, to inculcate values and to use technology as a tool rather than let technology overwhelm you. So it's been a very interesting morning and a very enriching day as we have seen the various stalls and the various opportunities on display for the young minds. So I'm very grateful to Kishan Kumar, Kejriwal ji and the entire family of MCK. Thank you. We are having a holistic education, because the faculty members
take special care about giving them the education which they will hold for the rest of their lives. So it is in that sense the direction of their future direction is also where the I am very, very happy to know that MCKD is also looking at that issue, that it is not just the learning, not just delivering the education, classroom or outside, it is also giving them a future direction of their career. This career fair is precisely that, to give all these students a direction that, look, these are the different careers available. And that is very, very timely. I must thank MCKB to really think of that. I don't know if too many schools are thinking along that line, because it is education is one part. Imparting the education inside classroom, sometimes outside for sports and etc., is completely one thing. But taking them and giving them a direction for future is a different thing. And I think MCKB is quite ahead in that. Thank you. आज देखिए इतने करियर के ऑप्शंस खुल चुके हैं कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि किस करियर में जाया जाए। तो सबसे जो एमसीकेबी का जो ये सबसे इनिशिएटिव था, मेन इनिशिएटिव था, कि पेरेंट्स लोग को अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है कि आपके दिमाग में जो करियर है उसके अलावा भी बहुत सारे करियर अभी आ चुके हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। बच्चे दिल की सुनते हैं और पेरेंट्स दिमाग के सुनते हैं। तो दिल और दिमाग को एक लाइन में कैसे लाया जाए और ज़िंदगी में दिल वाले कैसे बने अपने काम को करते हुए, इसी के लिए ये सेशन रखा गया है, जिससे पेरेंट्स के अंदर भी अंडरस्टैंडिंग आए कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। पेरेंट्स को भी अभी अपना अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो भी अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड कर पाए कि किस करियर में जाना चाहिए और किस करियर में नहीं जाना चाहिए। तो इससे क्या लग रहा है, कुछ लाभ? 100% अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके पास अवेयरनेस होगा तब उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजंस ले पाएंगे, आप जान पाएंगे क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत करियर को ग्लैमराइज करके भी कभी कभी दिखाया जाता है कि हम ग्लैमर को देख के आगे बढ़ जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो जस्ट दिखावा था। तो अगर पेरेंट्स के पास अवेयरनेस है तो लोग गलत डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मेरा नाम मनोज कुमार, इंटरनेशनल मेमोरी एथलीट, ऑथर, इंडिया एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर। आज का करियर फेयर से मेरे को लगता है हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें इतने सारे करियर ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा, और हमारे जो स्टॉल्स इन्होंने लगाए हैं उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो उससे स्टूडेंट्स लोग का इंटरेस्ट जागेगा। और हमारे स्टूडेंट्स ने चार्ट भी बनाए हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो वो भी बहुत मदद करेंगे। देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा इंसेंटिव्स दिया हुआ है, राइट? अगर आप 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदते हैं उसमें आपको 40 रुपये का इंसेंटिव्स है फॉर एक्सपोर्ट, क्योंकि हम लोग का एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी लाने के लिए बहुत सारा स्कीम्स है, उसको आप ज़रूर एक्सपोर्ट कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। आपको हर बैंक आ जाएगा आपको लोन देने के लिए, पैकिंग क्रेडिट मिल जाएगा, बहुत तरह का इंसेंटिव्स है। आप लोग, हम लोग का MSME का भी सेमिनार्स जो MCKB में हो रहा है उसमें ज्वाइन कीजिए, सब आप लोगों को डिटेल्स भी बोला जाएगा, एकदम विद एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। ये तो हम लोग का यूजुअली 1 साल में 3 बार होता है, दिसंबर में नेक्स्ट प्लानिंग है। अवेयर करते ना, बताते भी? नहीं, हम लोग पूरा बता देते हैं प्लान, अगर एकदम करना चाहें। हम लोग का नेक्स्ट दिसंबर में है। बोले कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे? बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहे, एकदम बढ़िया चीज़ है। नहीं, हम लोग देखिए सर, इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं, सपोज आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है कोई मशीनरी में, आपको मालूम है आपको 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया आपको गवर्नमेंट कैशबैक भी देता है। ये सब स्कीम्स है, बहुत सारा स्कीम्स है जिसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एटलीस्ट 55 स्कीम है, ये सारा MSME में है। MSME में सब में है, और एक्सपोर्ट करेंगे तो सर 100 रुपया और 90 रुपये वाला भी मिल जाएगा।